बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा 2021 किया सेल्टोस फैन वायरिंग डायग्राम के बारे में। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 2021 किया सेल्टोस एसी वायरिंग डायग्राम के बारे में बात किया है। उसमें मैंने बताया है आपका एसी ऑटोमेटिक कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, कौन सा कंपोनेंट यूज़ करके हमारा एसी ऑन होता है किया सेल्टोस कार में। अब जब एसी ऑन होगा तो हेड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए फ़ैन को ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने उस वीडियो में इस सर्किट को कवर नहीं किया, इसलिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। अब देख लेते हैं जब एसी ऑन होता है या गाड़ी ओवरहीटिंग होता है तो हमारा फैन कैसे चलता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सर्किट है, अगर आप एक बार देख लोगे इंशाल्लाह आप समझ जाओगे। चलो देरी ना करके सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है। सबसे पहले किया सेल्टोस में पीसीबी ब्लॉक एक फ्यूज़ का, रिले का, फ्यूज़ और रिले का, और इंजन का एक फ्यूज़ बॉक्स, उसके बाद ईसीजी सेंसर, रेडिएटर फैन, प्रेशर स्विच और लो स्पीड रिले, हाई स्पीड रिले और एक ईसीएम। ईसीएम से फैन का कनेक्शन होगा इसमें। अब देखते हैं हमारा ये रेडिएटर और कंडेंसर जो फैन होता है ये कब हाई स्पीड होगा और कब लो स्पीड होगा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा जो ये पीसीबी ब्लॉक होगा जहाँ पर फ्यूज़ और रिले होगा वहाँ पर ये रहेगा आपका मेन रिले। मेन रिले जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तब इस मेन रिले बहुत सारा रीजन के बाद ऑन होता है। ये मेन रिले ऑन होने का बहुत सारा रीज़न है। पहले तो वेरिएबल इंटेक सोनोलाइट वाल्व को सिग्नल जाएगा यहाँ से जब मेन रिले ऑन होगा, या पार्च कंट्रोल सोनोलाइट वाल्व, या एसी रिले, या ऑयल कंट्रोल वाल्व, जो भी होता है, जो भी सेंसर वगैरह होता है, तो यहाँ से 10 एम्पीयर का एक फ्यूज जाके इधर से जाएगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर एजेटी के मतलब है हॉट ऑयल टाइम्स, मतलब गाड़ी आपका स्टार्ट हो या ना हो, यहाँ पर 85 और 30 नंबर पे आपका ऑयल टाइम दोनों पॉजिटिव आता रहेगा। उसके बाद जब यहाँ पर सिग्नल देना है तो ईसीएम क्या करेगा, इंजन कंट्रोल रिले से 88 नंबर वायर से वाइट कलर का एक वायर सीधा आएगा आपका 87 नंबर पे माइनस के थ्रू। जब ये माइनस आ जाएगा तो मेन रिले में 85 और 86 में प्लस माइनस आने से रिले एक्टिवेट हो जाएगा, तो 30 और 87 जो नंबर का वायर होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। तो 30 नंबर पे जो 12 वोल्ट का सप्लाई होगा वो 85 नंबर से 10 एम्पेयर का मैंने यहाँ पर लिखा है ऑयल सेंसर, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर में जाएगा तो इसलिए लिखा रखा है 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ के थ्रू से होते हुए आपका जाएगा इस वायर से इंजन जंक्शन ब्लॉक में हाई स्पीड और लो स्पीड का 85 रिले में पॉजिटिव देगा और 80 लो स्पीड में 85 नंबर पे नेगेटिव देगा। अब देख लेते हैं उसके बाद इंजन जंक्शन ब्लॉक में कूलिन का जो फ्यूज़ बॉक्स होगा, कूलिन का जो फ्यूज़ होगा 40 एम्पेयर का फ्यूज़ होके ये रेड कलर का एक वायर 30 नंबर पे पॉजिटिव देगा, इधर 30 नंबर पे पॉजिटिव देगा। अब ये दोनों लो स्पीड और हाई स्पीड दोनों रिले पॉजिटिव आ गया। अब इसको ग्राउंड चाहिए रेडिएटर फैन कंडेंसर को ऑन करने के लिए। अब इसको ग्राउंड मिलेगा हमारा ईसीएम। अब ईसीएम इसको कब ग्राउंड देगा कब नहीं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ईसीएम सबसे पहले चेक करेगा ईसीजी सेंसर को। जब हमारा गाड़ी ओवरहीटिंग हो जाएगा तब ये क्या करेगा, यहाँ से सिग्नल के थ्रू, पॉजिटिव सिग्नल के थ्रू 15 नंबर ईसीएम का 15 नंबर वायर से ब्लू कलर का वायर ईसीजी सेंसर का पॉजिटिव थ्रू जाएगा। उसके बाद ग्राउंड 55 नंबर वायर से ब्राउन ब्लैक कलर का वायर है नेगेटिव थ्रू एक्स ईसीजी सेंसर में जाएगा। तो उससे सेंस करेगा गाड़ी हमारा ओवरहीटिंग हो रहा है या नहीं। अगर गाड़ी ओवरहीटिंग हो जाएगा तो रेडिएटर जो फैन होगा वो हमारा ऑन हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल होता रहेगा तो ऑन नहीं होगा, लो स्पीड में चलता रहेगा। अब ईसीजी देखने के बाद अगर एसी ऑन कर दे तो एसी ऑन करने के बाद ईसीएम लगा रहेगा प्रेशर स्विच के साथ। अब प्रेशर स्विच में तीन वायर आएगा इसमें, ये लिक्विड पाइप में एक सेंसर लगाया जाता है, जब अगर गाड़ी में गैस नहीं होगा तो एसी ऑन नहीं होने देगा, तो प्रेशर स्विच इसीलिए ये सेंसर इसीलिए लगाया जाता है। यहाँ पर 50 नंबर एक वायर से नेगेटिव सिग्नल जाएगा आपका प्रेशर स्विच में और एक 14 नंबर वायर से सप्लाई जाएगा ग्रीन
ग्रीन ऑरेंज कलर का एक वायर सीधा जाएगा सप्लाई के थ्रू पॉजिटिव, और ब्राउन ऑरेंज कलर का एक वायर जाएगा नेगेटिव का थ्रू सप्लाई में। अब ये सेंस करेगा आपका एसी में गैस का प्रेशर कितना है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कितना है, उसको सेंस करके यहाँ से आपको आएगा ग्रीन कलर का ग्रे कलर का एक वायर 11 नंबर का सिग्नल के थ्रू। अब ईसीएम को पता लग गया, एसी ऑन हो गया, अब कंडेंसर फैन ऑन करना है या आपका गाड़ी ओवरहीटिंग हो रहा है। अगर ये सेंसर, ये जो सेंसर है, जो दो सेंसर लगा हुआ है, ये अगर ये मतलब जो वोल्टेज होता है, ये सेंसर का काम होता है प्रेशर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ये वोल्टेज जब कम होगा तब यहाँ से फैन क्या कर ईसीएम क्या करेगा, सबसे पहले लो स्पीड को यहाँ से ग्राउंड दे देगा, यहाँ से लो स्पीड में ग्राउंड जाएगा 86 नंबर पे। जब 85 और 86 आपस में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव आ गया तो ये लो स्पीड रिले एक्टिवेट हो जाएगा, तब ये 30 और 87 नंबर आपस से ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहाँ से 40 एम्पेयर का फ्यूज डायरेक्ट आके यहाँ से एक रेसिस्टेंट के थ्रू से होते हुए हमारा जो कंडेंसर फैन होगा वो हमारा स्लो स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। स्लो स्पीड में चलेगा, ये यहाँ पर लगा हुआ है रेसिस्टेंट, इसके वजह से हमारा फैन स्लो स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। जब गाड़ी का, जब हमारा लिक्विड प्रेशर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीटिंग होने शुरू कर देगा, इंजन का जो पानी होता है वो जो अगर 100 से ऊपर टेम्परेचर हो गया, तो हमारा रेडिएटर और कंडेंसर जो फैन होता है एक ही होता है, वो हाई स्पीड चलना चाहिए। वो हाई स्पीड चलने के लिए ये हाई स्पीड रिले ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ईसीएम क्या करेगा, यहाँ से एक ग्राउंड भेजेगा येलो ब्लैक कलर का एक वायर से सीधा 67 नंबर पिन से हाई स्पीड एक ग्राउंड भेजेगा 86 नंबर पे। जब 85 में पॉजिटिव और 86 में नेगेटिव आ गया, ए रिले ऑन हो जाएगा, तब 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ने से 40 एम्पेयर का फ्यूज डायरेक्ट रेडिएटर फैन में आ जाएगा। तब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये ब्लो जो रेडिएटर फैन होगा ये हाई स्पीड में ऑन होना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके बीच में कोई रेसिस्टेंट है नहीं, तो फैन का जितना भी हाई स्पीड है वो चलना शुरू कर देगा। बहुत ही सिंपल सा वायरिंग डायग्राम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अस्सलाम वालेकुम।